सरोकार। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बताया उदयपुर की घटना का जिम्मेदार, कहा आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला, बोले सत्ता के लिए रातों रात हुआ खेल, ये शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया प्रचार, हिमाचल प्रदेश जाने से पहले पहुंची चंडीगढ़। अखिलेश यादव ने मेधावी को बांटे लैपटॉप, बोले सरकार अपना वादा पूरा करे और स्कूटी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच शुरू, जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेला जा रहा टेस्ट मैच। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। सूबे की राजधानी में यूं तो कहावत है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, लेकिन जनपद के 110 वार्डों में एक ऐसा वार्ड भी है जहां क्षेत्रीय लोग अपने घरों में तो रह रहे हैं लेकिन उनका जीवन मानो एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सरोजनी नगर विधानसभा में अमौसी हवाई अड्डे के पास रुस्तम विहार का है, जहां प्राइम टीवी की टीम ने इलाके का निरीक्षण किया और वहां के कुछ क्षेत्रीय लोगों से समस्या को जाना, जहां समस्याएं और नालों में बसे घर दिखे हैं जिससे वहां के लोगों को आवाजाही और निकलने के अलावा भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं यहां का हाल। हमारे वार्ड में पहली बात तो सीवर है ही नहीं। सीवर जो है मेरे वार्ड, पूरे वार्ड भर में सीवर है ही नहीं। नालियां हैं तो जो पानी जो आजाद नगर मोहल्ला है, बजाली खेड़ा है, समा बिहार है, तपो बिहार है, इनका पानी जो है रोड के किनारे नाला बना हुआ है रोड का, उसी नाले में जो है ये गांव के जो है नाले, मोहल्ले के नाले जो है उसी में मिला दिए गए, उसी नालों के द्वारा पानी जो है निकल जाता है। हम लोग तो पूरा क्षेत्र में घूमे करते, ये देखो अभी पूछो इनसे, मैं अब चला आ रहा हूँ, 11 बजने वाला होगा, पूरे क्षेत्र में तभी से दौड़ा कर रहा हूँ। अभी मैंने जो है अवध बिहार पार्क में हो करके आया हूँ, ये मेरा दूसरा पार्क है। मैं 2006 में जो है मेरी मिसेज पार्षद थी, अब जितना बजट मिलता उसके हिसाब से विकास होता। नया वार्ड है, नए वार्ड में एक बाइक तो विकास हो नहीं जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर तो प्लाटिंग हो रही, रोड जो है 2 बीघे में प्लाटिंग होती तो कहाँ लगवाड़ की जो है इतनी जल्दी बन पाएगा। जितना पैसा मिलता है वो जो है वार्ड में लगा देते भैया। साफ सफाई की बात आती है तो हमें सबसे पहले नगर निगम याद आता है। इस वक्त हम लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी है रुस्तम विहार, वहाँ पर खड़े हैं। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ का नज़ारा दिखाएं और आप खुद इस नज़ारे को देखकर खुद ही कहेंगे कि किस तरह से ये नज़ारा है। एक बार कहूँगा कि देखिए घरों के बाहर किस तरह से नाली में जो जमे गंदगी है वो यहाँ पर है, लोग रहने को मजबूर हैं। इससे पहले यहाँ की विधायक हुआ करती थी स्वाति सिंह, लोगों की कई शिकायतें भी हैं कि वो आती तो थी लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कभी कॉलोनी पर ध्यान नहीं गया। लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, किस तरह से यहाँ पर तमाम बीमारियाँ झेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ जवान लोग हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह से कॉलोनी का विकास इतने समय से क्यों नहीं हो। यहाँ के पार्षद भी हैं, वो समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इस कॉलोनी का विकास अभी तक नहीं हुआ है। हमारे साथ एक चचा हैं यहाँ के, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी यहाँ के रिहायशी हैं। चचा क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। ज़ुबैर जी ये बताइए क्या बात है कि इस कॉलोनी का विकास अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखा गया, मैं शुरुआत से वहाँ से आ रहा हूँ, समौसी के पास की कॉलोनी है और नाली जमी है और मलबे इकट्ठा हैं और सड़कों में बहता पानी है, ऐसा क्यों? अब ये है कि अब यहाँ के सभासद से भी कहा जाता है और मेयर से भी कहा गया है, यहाँ की जनता सब गई है और सभी लोगों ने इस बात के प्रयास किया, लेकिन अब भाई नहीं सुनवाई होती है। अब इससे हमारा योगी जी से भी कहना है कि थोड़ा भाई इस पे ध्यान दें। हमारे जो विधायक जी हैं यहाँ के मौजूदा, उनसे भी मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्र को देखें और वो अपने आगे दौरा करें, फिर जैसा हो वैसा आप निर्णय लें, बड़ा बड़ी मेहरबानी होगी हमारी उनके लिए। और
विधायक जी कौन है? ये विधायक जी राजेश्वर सिंह है। अभी इससे पहले स्वार्थी सिंह थी जो मंत्री भी थी। स्वार्थी सिंह तो यहाँ पे अक्सर सुना है कि आती रहती थी और यहाँ पे क्या बोलते हैं काफी विकास किया उन्होंने, क्या विकास क्या कागजों पे किया है क्या? ये देखिए यहाँ पे आपके नजरों के सामने है, ये जो भी खरंजा रोड बना हुआ है ये सब काम जो है समाजवादी की पीरियड में बना था। उससे पहले ये हमारी स्वार्थी सिंह मंत्री भी बनी, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये आज तक कोई भी आदमी साहब पूछ लीजिए वो ये कह देगा कि हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आई। अब वो आई या नहीं आई, क्यों नहीं आई, ये उनका मैटर है, इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। भाई जुबैर जी ये बताइए, भाजपा कहती है कि हमने विकास किया है और तमाम हमने साफ सफाई की है और एकदम शहर को एकदम बढ़िया से बना दिया है, अब आप कह रहे हैं कि ये विकास नहीं हुआ, सपा सरकार में विकास हुआ था, सपा के लोगों ने विकास किया, क्या समझो इस चीज़ को? देखिए अब वो जो चीज़ है वो आपके सामने है, आप नज़रों से देख रहे हैं कि ये रोड की क्या पोजीशन है, यहाँ के बच्चे और महिलाएं किस तरीके से आपके सामने निकल रही हैं और कैसे जा रही हैं, घरों में लोगों के पानी भरा हुआ है, पानी की कोई निकासी नहीं है, लिहाजा अब क्या किया जाए? भाई आदमी कह सकता है, पार्षद से भी कह सकता है, संसद से भी कह सकता है, विधायक से कह सकता है, अब उसके कोई ज़बरदस्ती तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। अब वो उनकी मर्जी होगी काम कराएंगे, उनकी मर्जी नहीं होगी नहीं काम कराएंगे, कागज़ के ऊपर कार्रवाई आदमी कर दे तो इसके लिए हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मजबूरन मैंने आपको यहाँ पे मीडिया वालों को बुलाया है कि कुछ आपके ज़रिए से हमारी समस्या सुनी जाएगी और इसका कुछ समाधान निकलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार भी आ रही है वो किस तरह से ऐसा लग रहा है कि कार नहीं है, नाव है। कुल मिला के ये जगह को ऐसे बना दिया गया है या बन गई ऐसी जगह कि लग रहा है कि कार नहीं चल रही, नाव चल रही है, किसी एक नदी का इलाका होगा या गोमती नदी कहिए या फिर कोई भी नदी कहिए, कि किस तरह से यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं वो पानी के बीच में खड़े होने को एक मजबूर कह सकते हैं या फिर मजबूर हो गई हैं। देख सकते हैं कार है यहाँ पर, कुछ महिलाएँ हैं और किस तरह से पानी का बहाव है, गंदगी है और लगता है कि यहाँ पर अगर कहा जाए तो बीमारियों का एक गढ़ समझिए, क्योंकि पानी से ही लगभग तकरीबन बहुत सारी बीमारियाँ होती है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आते रहिए, इन महिलाओं से बात करेंगे महिलाओं की क्या परेशानी है, क्योंकि महिलाएँ जो होती हैं वो घर गृहस्थी में सबसे अव्वल होती हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं और बात करेंगे, पूछेंगे क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्योंकि विगत कई सालों से यहाँ पर दिक्कतें होती आ रही हैं। ये बताइए क्या शुभ नाम है आपका? रेनू। हाँ रेनू जी, क्या समस्या, कितने सालों से समस्या है ये? सर ये कई सालों से समस्याएं हैं, यहाँ पे पानी भरा रहता है, घरों का गंदा भी भरा रहता है, नाली बनी है, नाली का कहीं निकास नहीं है पानी जो जा सके कहीं पे। कई बार यहाँ पे कचरे वाले लोग आते हैं नगर निगम लोग वहाँ से, तो वो कहते हैं कि मतलब पैसा से लेने आते, तो उन लोगों से हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट करी कि सर हम लोग का यहाँ घरों में पानी जब भरा रहता है, बरसात है तो और ज़्यादा ही भरा है, तो कहीं पे भी नाले में पानी गिरवाइए निकास, मतलब यहाँ पे तो बहुत गंदगी है सर, देख ली इधर भी पानी भरा सर, उधर भी पानी भरा, हर तरफ पानी भरा है, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं, बहुत ही कीचड़, ये देखिए सर इतना मतलब पानी भरा हुआ है कि लोग नमाज वगैरह पढ़ने नहीं जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ दिक्कतें हैं। पार्षद से बात तो हुई होगी यहाँ की अब कभी? नहीं बात नहीं, कभी नहीं हुई। वो लोग कहते हैं कि अब रोड वोड तो बनी सर, नाली भी बनी, पर पानी जब जाने का कहीं निकासी नहीं, तो सर क्या फायदा है सब करने का, कोई आता ही नहीं है यहाँ देख रेख करने के लिए। अच्छा एक और महिला है, क्या मैडम क्या नाम है आपका? श्वेता दुबे। श्वेता जी ये बताइए कि समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है, बीमारी है यहाँ पर, बीमारी का जड़ भी मान के चलिए गढ़ है, कभी स्वाति सिंह आई यहाँ पर? स्वाति सिंह कभी नहीं आई। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं सपा के हैं कभी वो भी नहीं कभी आए हैं, ये गंदगी इतनी इतनी बार हम लोगों ने कहा सफाई कराते हैं, हम लोग पैसा देते हैं, कभी नाला का कहा बोर्ड दीजिए हम नाला तुम्हारा बनवाएंगे, आज तक नाला तक बना नहीं है और हम लोग परेशान हैं, देखो निकलने लग के दिक्कत है और कूड़े वाली गाड़ी आती है पैसा लेती है बस कूड़ा ले जाती है, ऐसे गंदगी से हमें साफ कराने से क्या फ़ायदा है, जब घर घर में ये पानी है कूड़ा है सब है तो क्या फ़ायदा है हमें ऐसी सफाई कराने से। ये देखिए यहाँ की महिलाएं साफ साफ कह रही कि इन्हें खुद अपने पैसे से सफाई करानी पड़ती है, एक तरफ सरकार और नगर निगम दावा करती है कि हम सफाई करवा रहे हैं। एक और बात करेंगे इनसे, एक और महिला है, क्या नाम है मैडम आपका? शाहजहां बानो।
क्या समस्या तो देख रहा हूँ मैं, काफी बड़ी है सर। यही है कि नाली साफ नहीं होती है और कूड़ा आते हैं, पैसा लेते हैं, नाली का पैसा लेते हैं। ये देखिए यहाँ से सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। और जो है तो ये बताओ बीमार इंसान हो जाएगा कैसे ले जाएगा, और बीमारी का घर यही है, कहाँ से इलाज कराएगा, कहाँ से क्या करेगा। तो कागजों में तो ये नाला बना हुआ है? नाला नहीं बना हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ है, कहीं पास ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। वो कहते हैं कि हम क्यों बनवाएं? रोड है तो हम लोगों ने खुद रोड बीजेपी विधायक हुए हैं राजेश्वर सिंह, उनसे कुछ उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, हम अभी तक तो कोई रोड अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक हम लोगों ने पैसा दे दे के रोडे बनवाई है, नालियाँ बनवाई है, इतना पानी भरा रहता है, इन दिनों बच्चे गिर जाते हैं। रोडे बनवाने के लिए 1,000 रुपया दिया रोडे बनवाने के लिए, आप पानी देखो कितना भरा है। हमारे बच्चों को, हमारी पब्लिक को, सबको परेशानी होती है। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, आप बताइए हम लोग कहाँ जाएं। यहाँ के सभासद कुछ नहीं करता है, ना कभी आता है यहाँ देखने के लिए, सिर्फ सभासद बन गए, वोट लेने आता हम लोगों से। जब वोट लेना होता तो हाथ जोड़ के आता। तो इस बार तो आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा? बीजेपी को दिया हम लोगों ने, मोदी जी और योगी जी सब हमारे, हम लोगों ने वोट दिया है, वो जीते हैं। लेकिन अब हम लोगों का भी तो कोई देख, विधायक तो स्वाति सिंह की जब सफाई नहीं करवाए तो काहे वोट दे दिया? क्या अब दे दिया भाई, सब लोग दे रहे थे तो हमने भी दे दिया कि हमारे विधायक जी जीत जाए। सब लोगों के घर में तो सफाई है, आपके यहाँ? मेरे घर में क्या, आप किसी घर में देख लीजिए सफाई नहीं, घर के अंदरों में पानी भरता है, इतनी गंदगी है, कहीं आ नहीं जा सकते, नहीं तो इतना पानी भरा रहता है कि निकल नहीं सकते हैं। बीमार अलग बच्चों पढ़े, स्कूल ना जा सके, ना नमाज पढ़ने जा सके, कहीं जा नहीं सकते, सारे कपड़े तो हम लोगों ने खुद बनवाई है, रोडे नाला बनवाए, पानी का निकास करवाए, रोडों का, घरों के अंदर पानी भरा हुआ, रोडे नालियों तक तो हम लोग खुद बनवाए हैं पैसा दे दे करके, क्या करें। दरवाजा खराब हो रहा है, पानी बरसात हो जाती तो और बदसे बदतर हाल हो जाता है। बच्चे कन्वेंस ना लगवाए तो बच्चे स्कूल ना जा पाए, बरसात में और बुरा हाल होता है। बच्ची है बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी। क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे? स्कूल खुल गया भाई, स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल नहीं जा पाते हो? अच्छा, कभी कोई आया यहाँ पे, कोई बड़े लोग आए यहाँ पे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? नहीं, नहीं आए। अच्छा, चलिए ठीक है। देखा आपने कि हमने बड़ों से बात कर ली, बुजुर्गों से बात कर ली, महिलाओं से बात कर ली, बच्चों से बात कर ली, कुल मिला के इनका साफ साफ ये कहना था कि यहाँ पर जो समस्या है वो अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। पिछले 3-4 सालों से ये लोग भुगत रहे हैं, कई नगर निगम के कर्मियों से, अधिकारियों से, विधायक से लेकर पार्षद से इन्होंने शिकायत की, लेकिन उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ सरकार दावे करती है कि हम एक स्वच्छ लखनऊ बनाएंगे, स्वच्छ यूपी बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी तस्वीर आपको आज हमने दिखाई और प्राइम टीवी ने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर लखनऊ में भी कुछ इलाके हैं जो अब तक विकसित हुए हैं लेकिन विकास की डोर अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के चलते विवाद में आई नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और उनसे माफी मांगने को कहा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है और क्या कुछ कहा है आप भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने ये जो बयान दिया था ये एक सोचा समझा बयान था जो बीजेपी आरएसएस की मानसिकता को दर्शाता है और उनके बयान से अगर उसी वक्त गिरफ्तारी हो गई होती तो पूरे देश में जिस तरह का गुस्सा फैला और उससे कुछ सरफिरे आतंकवादी किस्म के लोगों ने एक गरीब टेलर की हत्या कर दी, उस टेलर की हत्या के लिए जितना जिम्मेदार वो दो आतंकवादी हैं उतने ही जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। मैंने सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी सीधे मांग करती है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित पुलिस मुख्यालय पर पुलिस उप महानिरीक्षक सहकारिता विभाग द्वारा कर्मचारी गोष्ठी एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश निगम ने सहकारिता प्रकोष्ठ से सेवानिवृत्त हो रहे निरीक्षक विनोद कुमार द्विवेदी को शॉल उड़ाकर और पुलिस गौरव सम्मान के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट की और उन्हें सम्मानित किया और साथ ही सहकारिता प्रकोष्ठ में नियुक्त पुलिस
उपाधीक्षक समीक्षा यादव के सहकारिता प्रकोष्ठ में उनके द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को देखते हुए उन्हें पुलिस गौरव सम्मान और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र सूरज कूडन भमरौली गांव में आम उठाने गए 13 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर गुस्साए परिजनों ने शव को दुबग्गा हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि काकोरी पावर हाउस बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते हमारे बेटे की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवारजनों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा विद्युत विभाग से अधिकारी संपर्क किया गया, लेकिन उनके स्तर से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर चल रखे जाम कर दिया। थाना पारा दुबग्गा और काकोरी पर था, मेरे द्वारा इनको समझाने का प्रयास किया, परिजन बात से समझे और उन्होंने धरना समाप्त कर दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। जैसे महिला सर गिड़गड़ा रो रही थी और गुहार लगा रही थी हमको न्याय मिले, तो इसको जो सुविधा मिलती है जैसे बिजली विभाग से उसमें पुलिस की सहायता कुछ भूमिका रहेगी? परिजनों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आवेदन पत्र दिया है। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, वहीं पर जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा और पैनी नजर बनी रही। इसके साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा को भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आज जुमे की नमाज और जगन्नाथ की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस काफी सतर्क दिखी। आज कानपुर पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज जहाँ रथ यात्रा हमारे यहाँ परंपरागत तौर पर निकाली जाती रही है, आज उसका आयोजन है और साथ में आज शुक्रवार जुम्मे की नमाज भी है। दोनों के लिए डिप्लॉयमेंट, दोनों के लिए कैमरे का डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट, ड्रोन का डिप्लॉयमेंट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का डिप्लॉयमेंट, चीज़ों को सही तरीके से नियोजित करना, सही तरीके से चिन्हित करना और जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, हमारी कमेटियां हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं और पुलिस सेवा मित्र हैं, सबको साथ लेकर सबका नियोजन, सबका डिप्लॉयमेंट और एक टीम के रूप में एक एफर्ट के साथ काम करना हम आज कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम सारे कार्यक्रम बेहतर तरीके से। सोनभद्र में नगर पंचायत रेणुकूट में प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ अभियान के तहत रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष निशा सिंह और अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनीता शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अभियान के तहत पॉलिथीन मेरी जिम्मेदारी, मेरी पॉलिथीन मेरी जिम्मेदारी स्लोगन के साथ निकाय क्षेत्र में स्टीकर चस्पकर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। फरीदाबाद में वल्लभगढ़ के सभी स्कूलों में एक महीने की छुट्टी के बाद दोबारा से 1 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं। वहीं स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी गई है। इसके साथ ही छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से सभी स्कूलों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग नियमित रूप से लागू कर दिया है। वैसे हमारा डबल शिफ्ट में स्कूल चलता है और उसके लिए बच्चे 7 बजे आते हैं, उसके लिए हम गेट पर मास्क लेकर के और सैनिटाइज़र लेकर खड़े होते हैं। सारे कमरे नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम वगैरह एकदम ओके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्रॉपर मेंटेन रखें डिस्टेंस। क्या बच्चे, सभी बच्चे मास्क लगा करके भी आ रहे हैं? जी, नहीं आ रहे हैं लगा करके, उनको किस तरीके से? हाँ, बच्चे मैक्सिमम तो मास्क लगा कर आते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। तो क्यों इतनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया हुआ है, क्या वजह है, क्या फिर से खतरा है कोरोना को बढ़ने का? देखो, जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है हमें भी डर लग रहा है कि स्कूल कहीं दिक्कत में ना आ जाए और व्यवस्था जो एजुकेशन। बिजनौर में उदयपुर में हुई घटना के बाद पुलिस प्रशासन के अफसर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने जिले के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही अति संवेदनशील इलाकों में आसमान में ड्रोन उड़ाकर स्थिति का जायजा लिया गया। जुम्मे की नमाज को दृष्टिगत रखते हुए सभी क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में, सभी मस्जिदों के आसपास प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई है।
यहाँ चाशीरी मस्जिद जिसको जामा मस्जिद भी कहते हैं, इसके पास आप देख रहे हैं COCT SDM सदर साहब अन्य पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद हैं। अंदर भी संवेदनशील मोहल्लों में लगातार पुलिस भ्रमणशील है, पूरी सतर्कता और सजगता है जिसके कारण आम लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और जो शरारती तत्व। औरैया में बिदूना कोतवाली क्षेत्र के फीडर रोड के पास एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और बबाल मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका की पिटाई भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर औरैया से है, जहां उदयपुर की घटना को लेकर प्रशासन चौकन्ना है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं बिधूना के क्षेत्राधिकारी और उपजिलाधिकारी एरवा कटरा थाने पहुंचकर थाना क्षेत्र के एरवा कटरा कस्बा, उमरैन कस्बा और बरौन कला के संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर वर्तमान परिस्थितियों में क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर खोड़ा कॉलोनी इलाके में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर दिखा। वहीं इलाके में प्रशासन ने पीस कमेटी की मीटिंग भी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ ACM सेकंड निखिल चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। खबर औरैया से है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुरास गांव में बकरी को बचाने के चक्कर में दो युवक कुएं में उतरे और कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से उसी में बेहोश हो गए, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मियों को मामले की जानकारी दी। वहीं फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं में बेहोश हुए दो युवकों को सकुशल बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामला ये हुआ है कि बकरा गिर गया था कुआ में, वो लड़का निकालो, बकरा तो ऊपर आए वो तो भरी में रहे। वो ये लड़के कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? कचलापुर के। तो यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ रहते हैं, यहाँ पीछे डालन जाए नहीं तो कह दी कि निकाल दो। हाँ, निकालने लगे उसका बड़ा भाई आया, वो भी कहना उसी में रह गया। 40 बरस सूचना दी गई कि कुएं में दो लोग गिर गए हैं। ये सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से रेस्क्यू यूनिट रवाना हुई। मैं जमागरा पे शुक्रवार ड्यूटी पे था, अपना फायर टेंडर लेके यहाँ पे आया और रिवॉल्विंग ब्रांच चला के पहले तो कुएं की गैस को खत्म किया गया, तदुपरांत जो है स्टेयर नॉट बना के दोनों लोगों को सकुशल जीवित बाहर निकाल लिया गया। कोतवाली थाना अंतर्गत चौकी नारायणपुर के अंदर ग्राम सुड़ान में आज एक बकरी कुएं में गिर गई थी, तो घर के दो युवक उस बकरी को बचाने हेतु कुएं में गिर गए और दोनों की स्थिति खराब हो गई क्योंकि कुआं गहरा था, 80 फीट गहरा कुआं था और उसमें गैस भी थी। खबर राय बरेली से है, जहां बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें फतेहपुर से राय बरेली जा रही रोडवेज बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जिसमें से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनंद फानन में इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया घायलों को। मैं फतेहपुर से लालगंज जा रहा हूँ। इसमें लगभग कितने सवारी रहे? 50 रहे होंगे। अच्छा, तो कोई जख्मी भी हुआ है? खबर देवरिया से है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब दरवाजे पर लगी लग्गी से आम तोड़ते समय युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।